जानते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस म्यूजिक के बारे में क्या कहा? वो नौजवान, वो लोग जो दीन के ऊपर चलते हैं और म्यूजिक को भी गले लगाए हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अहम पैगाम है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अलगिना युम्बितुन निफाक फिल कल्ब, कि गाना, म्यूजिक और सॉन्ग एक इंसान के दिल में निफाक की ऐसी ही पैदावार करता है, निफाक की बीज ऐसी ही बोता है जिस तरह से पानी खेती को उगाता है। जी हाँ, जिस तरह से बारिश होने से, पानी डालने से हरियाली निकल आती है, उसी तरह से गाना सुनने से, म्यूजिक के अंदर मशगूल रहने से इंसान के दिलों के अंदर निफाक पैदा होता है। जी हाँ, गोया के म्यूजिक और सॉन्ग एक ऐसी चीज है जिससे इंसान के दिलों के अंदर निफाक पैदा होता है। कितनी खतरनाक चीज है, लेकिन लोग स्टेटस लगाते हैं और खुश होते हैं, कहते हैं कि हमारा स्टेटस इतने लोगों ने देखा है। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे मुस्लिम नौजवानों, आप क्या कहेंगे इमाम फजल रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल को सुन करके? उन्होंने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा कि अलगेना हो रुकियत जेना, कि ये म्यूजिक और सॉन्ग्स जो है ये जेना का मंत्र है, यानी कि जेना की पहली सीढ़ी ये सॉन्ग्स और ये म्यूजिक होते हैं।